का चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं और इस बार हम प्रस्तुत कर रहे हैं कक्षा दसवीं के पुस्तक स्पर्श से सीताराम शेखसरिया जी का जीवन परिचय। आपको एक जानकारी भी देना चाहते हैं कि हमने आपके कक्षा दसवीं से संबंधित जो ग्रामर है, व्याकरण, रस छंद, अलंकार, काव्य इत्यादि के भी वीडियोस बनाए हैं। आप उन्हें झरोखा चैनल पर खोज सकते हैं और देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सीताराम शेखसरिया जी का जीवन परिचय। उनका जन्म जो है सन 1892 में हुआ था और मृत्यु 1982 में। इस तरह उन्होंने करीब 90 साल की आयु अपने जीवन में प्राप्त की। सीताराम शेखसरिया जी का जन्म राजस्थान में हुआ था, परंतु उनका अधिकतर जीवन कलकत्ता में ही व्यतीत हुआ। गांधी जी के आह्वान पर वे आजादी के आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी करते रहे। उन्होंने अनेक साहित्यिक, सांस्कृतिक और स्त्री शिक्षण संस्थाओं को सहयोग किया और योगदान भी दिया। वे सुभाष चंद्र बोस, गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर तथा गांधी जी के सानिध्य में भी रहे। उन्होंने अनेक बार जेल यात्राएं की, क्योंकि वे स्वाधीनता के संग्राम के एक पक्के सेनानी थे। आजाद हिंद फौज के मंत्री पद पर भी उन्होंने कार्य किया। भारत सरकार ने उनके ऐसे क्रियाकलापों को ध्यान में रखते हुए ही उन्हें पद्मश्री से नवाजा था। रचनाएं, शेखसरिया जी ने बहुत से ग्रंथों का सृजन किया है। उनके नाम इस प्रकार है: स्मृति कर्ण, मन की बात, बीता युग, नई याद, एक कार्यकर्ता की डायरी दो भागों में। तो यह था सीताराम शेखसरिया जी का जीवन परिचय। आपसे अनुरोध है कि इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डालिए, हमें उसका उत्तर देते हुए बहुत खुशी होगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।